स्वागत है दोस्तों आपका एसएससी एडुटेनमेंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेलवे में बहुत ही ह्यूज वैकेंसी आई है जिसमें कि ग्रुप डी एंड लोको पायलट की वैकेंसीज है। आइए दोस्तों आप लोगों के मन में भी बहुत सारी जिज्ञासा जाग रही होगी रेलवे ग्रुप डी स्टाफ की सैलरी जानने में, तो आज हम लोग उसी विषय में बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे में जो ग्रुप डी स्टाफ है उनकी टोटल सैलरी इन हैंड कितनी आती है दोस्तों। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो मैं सैलरी बताने वाला हूँ आप लोगों को, ये सातवें वेतन आयोग के हिसाब से है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग नीचे रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड साथ ही बेल आइकन दबा के जितने भी नोटिफिकेशंस हो आप पा सकते हैं। गाइस आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए रेलवे ग्रुप डी में पोस्ट कौन कौन सी आई है, तो दोस्तों पोस्ट है इसमें केबिन मैन, ट्रैक मैन, लीवर मैन, पॉइंट्स मैन, हेल्पर, की मैन, शंटर, वेल्डर, फीटर, पॉटर, हेल्पर, गैंगमैन और स्विचमैन। गाइस ये सब पोस्ट है जो कि रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी के तहत आई है, जिसमें कि टोटल वैकेंसी जो है 60,000 से भी ऊपर है। गाइस अब बात करते हैं सैलरी की जो रेलवे ग्रुप डी स्टाफ्स की है। तो गाइस सैलरी में हम लोग देखते हैं कि जो मूल वेतन यानी जो बेसिक पे है रेलवे ग्रुप डी स्टाफ का वो 18,000 के आसपास है, नियरली अबाउट 18,000। उसके बाद फिर महंगाई भत्ता जिसको डियरनेंस अलावेंस भी कहा जाता है इंग्लिश में, वो नियरली अबाउट आप लोगों को 720 तो मिल ही जाता है। उसके बाद जैसे कि ग्रुप डी स्टाफ्स के लिए कुछ नाइट ड्यूटी भी होती है, तो नाइट ड्यूटी के लिए भी भत्ता अलग से मिलता है जो कि नियरली अबाउट 1,200 रुपये होते हैं। उसके बाद बोला जाता है नेशनल हॉलीडे अलाउंस, NHA, नेशनल हॉलीडे अलाउंस, जो कि छुट्टियां जो नेशनल छुट्टी होती है उसके लिए भी मुआवजे मिलते हैं, जो कि टोटल होता है 400 रुपये। टोटल आप लोगों की सैलरी हो जाती है 20,320 रुपये ग्रॉस सैलरी। उसके बाद दोस्तों कुछ डिडक्शंस भी होते हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, PF दैट इज द प्रोविडेंट फंड। तो ये सब जो टोटल डिडक्शन होता है दोस्तों वो नियरली अबाउट 1,500 रुपये के आसपास होता है। दोस्तों आपका ये इन डिडक्शंस के बाद जो इन हैंड सैलरी हो जाता है वो नियरली अबाउट 18,000 से लेके 19,000 तक हो जाता है। 18,000 से 19,000 तक आप लोगों का इन हैंड सैलरी हो जाता है दोस्तों आफ्टर डिडक्शन। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी स्टाफ की सैलरीज के ऊपर यही था वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।